أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे बच्चों मैदा सब ठीक ठाक से होंगे। क्लास एट का फिर आज हम सबक वही दोहरा रहे हैं उर्दू का जो आपकी किताब के अंदर दर्ज है उफ़ माहौलियाती आलूदगी। कल भी हमने इस माहौलियाती आलूदगी के घी के मुतलिक थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है। आज हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कुछ खास खास निकात को मैंने उजागर किया है। देखो पहला जो इंसानी ज़िंदगी पर आलूदगी का असर है, आप सभी जानते हैं कि आलूदगी की एक बुनियादी वजह बढ़ती हुई इंसानी आबादी है। क्योंकि रोज़ बरोज़ इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं, तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ यानी हमारे पास जो वसाइल हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। मसलन ज़िरात और बोदबाश के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, आबी ज़खायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटर कारों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ कस्म की ज़रूरतों को पूरा करने की खातिर नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं। हम देखते हैं हर तरफ मशीनों की भरमार है, फिजा में धुआं और गर्द है, ताज़ा हवा मिलना महाल है, तो बड़े बड़े बाजार में हम नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी मुहलिक बीमारियाँ नमूदार हो रही हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है टीबी, तपेदिक, और इसी तरह मैंने लिखा है चूँकि ओजोन के अंदर भी एक मुदाखलत होती है, उस पर भी एक बुरा असर पड़ता है। ये ओजोन क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊं। यहाँ मैंने लिखा है ओजोन। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूरज की से आने वाली खतरनाक शाओं को ज़मीन तक नहीं आने देती। ये शाएँ इस कदर खतरनाक होती हैं कि ज़मीन तक पहुँच जाएँ तो जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो जाने का एहतमाल रहता है। बल्कि इतना ही नहीं, अगर इसमें ज़्यादा खराबी पैदा हो जाए तो जानदारों का ज़िंदा रहना भी मुश्किल है। तो इस तरह हम देखते हैं मसलन टीबी, ओजोन लेयर में सुराख, इसी तरह जल्द का कैंसर, आज भी देखते हैं बहुत सारी मुहलिक बीमारियां हैं। इस तरह जो शोर, गाड़ियों का शोर, फैक्ट्रियों से उठने वाला शोर, ये कानों और दिमाग पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, अब इस आलूदगी को कम करने के तरीके, हम किस तरह इस आलूदगी को कम कर सकते हैं। देखो बेटो मैं आपको थोड़ी जानकारी और दूंगा। अगर आप सफा नंबर 119 पर आप देखो, मौजूदा तरक्की के इस दौर में हर किस्म की आलूदगी से पूरे तौर बचा नहीं जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। झीलों, दरियाओं, तालाबों, चश्मों के किनारे पर रहने वाली आबादी को पानी के इन वसाइल से ज़रा दूर बसाना चाहिए या बसाया जाए। इसी तरह जो हमारे पास जो बड़े बड़े दरिया हैं, इन्हें साफ शफाफ रखने के लिए जामा इकदाम उठाए जाएं। झीलों और पानी के दीगर जखायर जो हैं, इनके इर्द गिर्द मकान वगैरह तामीर या मकानात की या तामीरात पर पाबंदी लगानी चाहिए, हम लगा सकते हैं। इसी तरह कारखानों से निकलने वाले बेकार और गलीज मादों को कीमियाई तरीके से ठिकाने लगाए जाए, तो LPG का इस्तेमाल किया जाए जाना चाहिए। ज़्यादातर खासकर जो मोटर गाड़ियां हैं या CNG का इस्तेमाल उनमें करना चाहिए। इसी तरह एटमी तजुर्बात पर पाबंदी लगानी चाहिए।
जहाँ तक हो सके शोरगुल से बचा जाए। तो जब हम इन इकदाम को इख्तियार करें या ऐसे इकदाम उठाएँ तो तभी हम अपने आलूदगी, ये जो माहौल हमारा जो है आलूदगी कम करने या मैं हम एक ताउन कर सकते हैं। तो दूसरी बात के जो है जो आम है वो आम लोगों में हमें बेदारी पैदा करनी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं, मैं फिर दोहराऊँगा, ये जो गिज़ाएँ हम खाते हैं, हम जो कीमियाई जो या खाद या कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव जब करते हैं तो ये इनका असर क्या होता है, इन दवाएँ जो है ये दवाएँ फसलों को बीमारी और ज़मीनी कीड़े से महफूज रखने तो के काम तो आते हैं, लेकिन इन कीड़ा मार दवाओं में एक किस्म का जहर भी मौजूद होता है। तो फिर क्या होता है, ये दवाओं का कुछ हिस्सा फसल में रह जाता है, जब हम इन गिज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत सी बीमारियों का सबब बन जाते हैं। तो इस तरह यानी आज हमने ये सबक पूरा किया है, तो हमने आज सीखा है, हमने आज जानकारी हासिल की है कि इंसानी ज़िंदगी पर आलूदगी का क्या असर है, इसी तरह आलूदगी कम करने के कौन से तरीके हैं। तो इंशाल्लाह कल अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो कल इसके सवालात हैं वो उनके जवाबात हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाकी वसाइल।